Hello dear students, welcome back to the Home Academy. Do you know the names of all important international boundary lines? If your answer is no, then this video is very important for you. If you are preparing for competitive examination like SSC, CGL, SSC, CHSL or even bank exam, JKSSB examination or various other competitive examination, then you know that one or two questions always come from this topic and it is not very hard to learn name of these international boundary lines. So without wasting time, let's get started. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel Home Academy and start learning from the home. First is Redcliffe line. Redcliffe line, it is a demarcation line between India and Pakistan. It was drawn by Sir Redcliffe on 17th August 1947 during the partition of India. Second line is McMahon line. It is the boundary line between India and China. More specifically, it is between Tibetan region of China and northeast region of India. This boundary line was demarcated by Henry McMahon at the 1914 Simla Convention. But China does not approve the Simla Accord and McMahon line because according to the China, Tibet was not an independent state and for that reason it had no power to sign any treaty. McMahon jo line hai, India aur China ke beech mein hai, lekin Tibetan region jo China ka hai aur northeastern region of India hai, kyunki China jo hai Tibetan region ko independent state nahi manti, apna part manti hai. Isliye jo China hai wo Simla Accord ko bhi nahi manta aur McMahon line ko bhi nahi manta. इसलिए चाइना का ये मानना है कि तिब्बत के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो कोई भी ट्रीटी को साइन कर सके. फिर नेक्स्ट लाइन है डूरेंट लाइन. इट इज अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इट वाज ड्रॉन बाय सर मोर्टिमर डूरेंट ऑन 1896. नेक्स्ट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC. इट इज एन इफेक्टिव military boundary line between India and China. In 1962, we know China attacked India and captured Aksai Chin area, and in 1963 China declared a ceasefire but did not leave Aksai Chin. Now it is termed as the line of actual control LAC. Next is LOC. So LAC kya hai aur LOC? LAC abhi humne kaha ke India aur चाइना के बीच में जो लाइन है और एलओसी क्या है, इट इज एन इफेक्टिव मिलिट्री बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो जो डार्क किए हुए है समझ लेना, मिलिट्री बाउंड्री लाइन है द लाइन एलओसी क्या है, इट इज एन इफेक्टिव मिलिट्री बाउंड्री. रेडक्लिफ लाइन क्या थी, डिमार्केशन लाइन थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एलओसी क्या है, मिलिट्री बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 24th पैरेलल. तो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान, इट वॉज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ग्रेट रान ऑफ कुछ. रान ऑफ कुछ कहाँ पर है, गुजरात में. हाउएवर इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज इट. सिर्फ पाकिस्तान का मानना है 24th पैरेलल के बारे में कि वो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक बाउंड्री लाइन है, लेकिन पाकिस्तान इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, सॉरी इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड. तो याद रखना है आपको हिंडरबर्ग जो लाइन है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है. देखिए जर्मनी का एक शहर है हैमबर्ग, हैमबर्ग से आप हिंडरबर्ग याद रख सकते हो, और साथ में पोलैंड है. तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट इन मार्च 1917 जर्मन सोल्जर रिट्रीटेड टुवर्ड्स दिस लाइन एंड दिस रिट्रीट ऑपरेशन इज नोन एज अल बेरिज. तो ये भी याद रखना है, जो रिट्रीटेड ऑपरेशन था उसे क्या कहते हैं, अल बेरिज. 38th पैरेलल. तो 38th पैरेलल क्या है, इट इज अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया एंड द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया. सो सारे जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो कन्फ्लिक्ट है इसको लेकर,
तो इट इज ऑल्सो नोन एज डीमिलिटराइज जोन, तो इसे DMZ कहा जाता है, डीमिलिटराइज जोन। और ये भाई आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि इट इज डिनोटेड एज अ मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डेंजरस जो बॉर्डर है वो 38 पैरेलर है। कहाँ किस किस के बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है। नेक्स्ट इज 49th पैरेलर। 49th पैरेलर इट इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कैनेडा। तो इसके लिए एक और बात याद रखनी है, 49th पैरेलर में इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, लॉन्गेस्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज, और वो दो कंट्रीज कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री है मैगिनॉट लाइन, इट इज इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी। तो मैगिनॉट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर एंड्री मैगिनॉट। एंड्री मैगिनॉट कौन थे? फ्रेंच के मिनिस्टर थे ऑफ द वार इन 1930, उन्हीं के नाम पे मैगिनॉट लाइन बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 17th पैरेलल, इट वॉज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द नॉर्थ वियतनाम एंड द साउथ वियतनाम। नॉर्थ वॉज वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जो लाइन है उसे 17th पैरेलल बोलते हैं। दे रीयूनिफाइड ऑन जुलाई 2, 1976, तो 2 जुलाई को दोबारा से ये रीयूनिफाइड हुए। हो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना कमेंट करना ना भूलिए, और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग,